Thanks for tuning in to my Bollywood body. मैं आपका host Sunny with Sallu bhai. Hello, how do you does? How do you does? Good to see you. Come again. Equal to MC square. इसका मतलब था देखो साला वो Einstein भी बनाया है. You know what it is? Yeah. Energy is equals to mass into speed of light. Shit. I was gonna too say, much education. Energy is equals to mass gainer into plant square. माँ पहन काल करने लगे थे. बादी चश्मे दानी लगे पढ़ पूर के दानी पूरा देख दूँ के वेट लाई थे. Day 5 का मुंडे आज थोड़ा ना सी workout शेयर करते हैं. आप हमारी series follow करें. Thank you very much. Thanks for your support. Nice and slow again. It's only your day 5. Pyramid wasn't built in a day. आप किसी bodybuilder को देखते हैं, किसी लड़के को देखते हैं. इन्होंने भी body 2-4 दिन में नहीं बनाई. सालों की मेहनत है फिर आपकी बॉडी बनती है. स्लो एंड स्टडी एंड यू गॉट मेक श्योर कि आपको इंजरी ना लगे. सो इस किस्म के बेसिक वर्कआउट्स का क्या है कि आपकी बॉडी कंडीशन हो जाती है एंड बाय द टाइम आप हमारे डे 40 डे 50 पे पहुंचेंगे यू कैन एक्चुअली डू प्रॉपर स्प्लिट रूटीन्स हैवी लिफ्टिंग और व्हाटनॉट. सो स्ट्रेच कर लें. हमने पहली वीडियो में आपके साथ ऋतिक भाई के साथ शेयर करके आपको दिखाया था डे 1 में कि स्ट्रेचिंग कैसे करनी है. स्ट्रेचिंग मेक्स यू लेस प्रोन टू इंजरीज. जब आपकी स्ट्रेचिंग खत्म हो जाए उसके बाद टुडे इज योर डे 5. तो आज हमने बाइसेप ट्राइसेप एंड फोरआर्म्स लगाने हैं. पहली एक्सरसाइज हम वार्म अप के बाद शुरू करते हैं सल्लू भाई के साथ. हमने 4 सेट 10 रेपिटेशन के डंबल अल्टरनेट डंबल कर्ल करने. अब देखें जैसे सल्लू भाई लगाते हैं बाजू पूरा ऊपर जाता है ऑल द वे अप. ही स्क्वीजेस देन ब्रिंग्स इट ऑल द वे बैक डाउन. सी पूरा ऊपर जाके टाइट करते हैं फिर पूरा नीचे लेके आते हैं. आपने सीधा लेके आना है आप सीधा लें आप नीचे लाके टर्न कर लें डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज आपकी फॉर्म ठीक हो. सल्लू भाई जरा 3D मारे थोड़ा सा इस तरह. हियर वी गो. डू इट अगेन. सो व्हेन एवरी टाइम यू डूइंग अ बाइसेप कर्ल यू गॉट मेक श्योर कि आपके जो शोल्डर है ना वो ड्रॉप बैक है. ये कोनी को स्विंग नहीं कराना. स्विंग कराए सल्लू भाई जरा. एंड इस तरह नहीं करना. देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट. यू गो ऑल द वे अप नाइस एंड स्लो ऑल द वे बैक डाउन. पहली एक्सरसाइज आपने 4 सेट 10 डंबल कर्ल के करने हैं. बिटवीन द सेट्स हमें काफी क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी लंबी ब्रेक होनी चाहिए. If you are a beginner day 5, I would say 30 seconds से 45 सेकंड पे चले जाएं. आपको खुद पता होना चाहिए वेट हैवी है 1 मिनट बहुत भारी है. दो तीन तीन मिनट की ब्रेक लेने. बट इट ऑल डिपेंड्स कितना आप हैवी वेट उठा रहे हैं. डे 5 में 30-45 सेकंड के साथ आपका गुजारा हो जाएगा. दैट्स योर फर्स्ट एक्सरसाइज. आपने इसके 4 सेट लगाने हैं 10 रेपिटेशन के. जब वो हो गए मूविंग ऑन टू योर सेकंड एक्सरसाइज. अब हमने 4 सेट अभी बाजू को मोटा करने की किया बाजू को लंबा करेंगे. लेट्स गो हैमर कर्ल्स. 4 सेट 10 रेपिटेशन हैमर कर्ल्स के. सो अब आप देखें इसमें ग्रिप में क्या डिफरेंस हुआ है कि आपने बाजू गुट जो है सीधा रख लिया. पहले गुट इस तरह था अब गुट इस तरह रख लिया. अब उसका बेनिफिट ये है कि जब आप ऊपर जाएंगे ऊपर जाए सलू भाई जब नीचे लाएंगे यू विल सी आपका बाजू लंबा हो रहा है. ये सीधा है नीचे से बाजू खिंचता है. नॉट ओनली दैट ये ट्राइसेप है ये बाइसेप और बीच में से एक मसल जाता है यहाँ पे जिसे कहते हैं ब्रैकियलिस. वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दैट एज वेल. तो अगर आप समर में कहते हैं कि यार आपके बाजू जो है वो शर्ट में लंबे लंबे और मोटे मोटे नजर आए दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एक्सरसाइजेस टू डू. आपने इसके 4 सेट 10 रेपिटेशन ये भी ऑल्टरनेट लगाने इकट्ठे नहीं लगाने ऑल्टरनेट. जब इकट्ठे लगाने होंगे हम आपको रूटीन में बताएंगे. सो 4 सेट 10 रेपिटेशन ऑल्टरनेट हैमर क्रोज. मूविंग ऑन टू योर थर्ड एक्सरसाइज. तीसरी एक्सरसाइज में अब हमने क्या करना है हमने 3 सेट 12 रेपिटेशन के बारबेल कर्ल करने हैं. हमने इजी बार लेनी है. ये रजिया इनकी किसी जमाने में गर्लफ्रेंड होती थी अब तो इन्होंने नहीं बना ली हुई है. सो इजी बार का फायदा क्या है कि एज ए बिगिनर आपके गुट जो आपकी कलाई के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेगी. आराम से देखें जैसे आपकी कलाई उस तरह लैंड होती है. चले एंड ऑल द वे अप सेम फॉर्म जैसे आपने बाइसेप डंबल्स के साथ लगाई थी ऊपर जाके पूरा स्क्वीज कराना है. नाइस एंड स्लो नीचे आते हुए आराम आराम से खोलना है. सी फॉर्म मेक्स अ डिफरेंस. अगर आप झटके मारे जंगलियों की तरह यूं यूं कर रहे हैं नथिंग इज गोना हैपन. यू आर वेस्टिंग टाइम. स्लो नॉट नेसेसरीली कि आप 100 किलो का डंबल उठाएंगे तो आपकी छाती बड़ी होगी. आप 20 किलो के डंबल से भी छाती बड़ी कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट आप अपने मसल को किस तरह तोड़ते हैं और उसको किस तरह का खाना देके ग्रो करते हैं. 3 सेट 12 रेपिटेशन के इजी बारबेल कर्ल बायर ग्रिप के साथ. मूविंग ऑन टू योर फोर्थ एक्सरसाइज. लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग हमने करना है बाइसेप ट्राइसेप एंड फोरआर्म्स. इट्स अ वेरी अगर आप हमारी पूरी पूरे वर्कआउट की रूटीन्स देखते हैं उनके और इसके बीच में डे एंड नाइट का फर्क है कि ये बिगिनर्स के लिए हमने बनाई है. अगर आपने अभी जिम शुरू किया है बाय द टाइम आप डे 20-25 पे पहुंचेंगे ना फिर आप हमारी रेगुलर रूटीन्स को भी फॉलो कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू योर फोर्थ एक्सरसाइज. हमने 4 सेट ट्राइसेप पुश डाउन के करने हैं. इसके अंदर आपको रोप भी मिल सकती है कर्ल बार भी मिल सकती है सीधी वाली बार भी मिल सकती है. दिस इज अ वेरी कॉमन बार इन द जिम दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस. अब आपने जब इसमें लगाना है सबसे पहले आपकी ग्रिप ठीक होनी चाहिए. देखिए सल्लू भाई इट्स लाइक अ बॉडी बिल्डर ग्रेट फॉर्म. इन्होंने अपनी बैक आगे गिराई हुई है लेकिन फिर भी इनकी कोनियां लॉक है. अलॉट ऑफ टाइम यू सी लड़के बैक गिरा देते हैं लेकिन कोनियां हिलाने लग जाते हैं. नो आइदर आप सीधे खड़े होकर लगाएं. अगर सीधे खड़े होकर लगाने अगर आपने इस तरह बैक को फटे की तरह सीधा करना है आपकी कोनियां लॉक हो और मसल के ऊपर प्रेशर हो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए. हेयर यू गो और वापस आए और नाइस एंड स्लो. योर जॉब इज कि इस ये जो मछली सी बनती है ना इसे कहते हैं ट्राइसेप की देसी लैंग्वेज में मछली उसको खोलने की कोशिश करें. आपने 4 सेट 10 रेपिटेशन के ट्राइसेप पुश डाउन्स के करने हैं. ब्रेक मैंने शुरू में भी बताया आपने कितनी लेनी है 30-40-45 सेकंड की लेते रहे.
ये अब हमारी चौथी एक्सरसाइज है. अब लेट्स मूव ऑन टू योर फिफ्थ एक्सरसाइज. फिफ्थ एक्सरसाइज में सल्लू भाई वी आर गोना डू बेंच डिप्स. अगेन इट्स बिगिनर्स वर्कआउट, अ ग्रेट एक्सरसाइज टू टारगेट योर ट्राइसेप. बेंच डिप्स क्या है, आप किसी भी बेंच को ले लें. इसके अंदर आपने अपने लातें बिल्कुल सीधी रखनी है, इनकी फॉर्म देखें, चेस्ट बाहर है और कोहनियां पीछे गिराई हुई हैं. जब ऊपर नीचे आते हैं सो सी इनका जो बट है, चित्तड़ जो है वो पीछे एंगल पे जा रहे हैं. सी दैट दे गो बैक एंड फोर्थ, नॉट लाइक इन्होंने इधर निकाले हुए, पेट नहीं बाहर निकाला हुआ, छाती उठाई हुई और ट्राइसेप्स के ऊपर जोर डाल रहे हैं. सी दैट ऑल द प्रेशर इज ऑन द ट्राइसेप्स. यू सी ट्राइसेप्स. अब इसके अंदर समटाइम लोग कहते हैं कोनिया बाहर जाए किधर है. यू आर अ बिगिनर, आपकी हड्डियां नहीं टूटेंगी, ये गलत भी कर लेंगे. आई एम नॉट सेइंग डू रॉन्ग, बट अगेन आपको आपकी बॉडी को यूज टू कराना है. अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यू विल बी डूइंग कभी इधर कभी उधर टेढ़े मेढ़े करेंगे, बट इवेंचुअली यू विल स्टार्ट डूइंग इट बेटर. आपने इसके तीन सेट लगाने हैं 10 से 12 रेपिटेशंस के. चार लगवाए तीन लगवाए, चलो भाई आप बताएं कितने लगवाए. चार लगवाए. चलो जी चार सेट लगाने हैं 10 से 12 रेपिटेशन के बेंच डिप्स के. ग्रेट एक्सरसाइज. बाय नाउ यू शुड बी टायर्ड एज ए बिगिनर, आपको थकावट होनी चाहिए. अगर फिर भी थकावट नहीं हुई, लेट्स कीप गोइंग. चलो भाई लेट्स डू सम सीटेड ओवरहेड एक्सटेंशन. अब अगली एक्सरसाइज जो हम ट्राइसेप की कर रहे हैं इज कॉल अ सीटेड ओवरहेड एक्सटेंशन. अ ग्रेट एक्सरसाइज टू आपके ट्राइसेप को साइज देने के लिए. और अगर आप चाहते हैं आपकी बाजू बढ़े हो, आपको ट्राइसेप ज्यादा लगाने पड़ेंगे और भारी भारी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ट्राइसेप इज बिगर देन बाइसेप्स. अब इसके अंदर क्या है, व्हाई आई मेड सल्लू भाई सिट डाउन इज बिकॉज एज ए बिगिनर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बैठ के लगाएं. अगर आप खड़े होकर लगाएंगे और अगर आपका कोर जो पेट इतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी कमर में चुक पड़ जाएगी. अगर आप लगा सकते हैं ठीक है, अगर नहीं तो बैठ के लगा लें. माथे की सीध में आपकी कोनियां रहें या उससे पीछे रहें, ऑल द वे अप. पूरा जब ऊपर जाना है तो हड्डियां नहीं लॉक करनी, मसल को लॉक करना है. यहां पे जब नीचे लेके आएंगे ना, यहीं से टाइट करना शुरू कर दे बाजू को. करे 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 ऊपर जाए, एंड बाय द टाइम आप ऊपर जाएंगे आपका बाजू है एंड इट विल फायर अप, आग लगी होगी बाजू में. आपने इसके तीन सेट 12 रेपिटेशंस के लगाने हैं इस एक्सरसाइज के लिए. लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो दैट वुड गिव यू अबाउट यू नो 30-35 मिनट आपके अभी तक हो जाने चाहिए. आपने तीन बाइसेप की और तीन ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस की हैं. नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू योर फोरआर्म्स, जो आपके गुट हैं, जिसे आप रिस्ट कहते हैं, कलाइयां कहते हैं. लाइक वी सेड वी आर गोना डू बाइसेप ट्राइसेप्स एंड फोरआर्म्स. सो इसके अंदर हमने दो एक्सरसाइजेस करनी है. पहली एक्सरसाइज के हमने तीन सेट 25 रेपिटेशन लगाने हैं रिस्ट कर्ल्स के. So, go the other way. Here you go. हमने pre-weighted bar लिया है. अगर आपको इस तरह की pre-weighted bar मिल जाती है ठीक है, अगर नहीं है तो bar के ऊपर प्लेटें डाल के लगाएं. curl bar पे नहीं लगानी, dumbbells पे नहीं लगानी, barbell पे लगानी है. See what he does? पूरी उंगलियों पे roll कराते हैं नीचे तक और पूरा ऊपर तक लेके जाते हैं. See, he rolls it down and rolls it back up. आपने 25 repetition लगाने हैं, फिर ब्रेक लेनी है, फिर 25, फिर ब्रेक, फिर 25 and then you take a break. ये तीन सेट आपके बन जाए. जब आपके तीन सेट पूरे हो गए फिर लंबी ब्रेक लेना है. लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट एक्सरसाइज. सेम बार के साथ रिवर्स ग्रिप रिस्ट कर्ल्स. पहले आपने सीधी रखी थी ग्रिप, अब आपने पुट्ठी रखी हुई है. एंड नाउ यू गोना गो जैसे मोटरसाइकिल पे रेस नहीं देते, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गोना डू. अब जब आप ये करेंगे ना, वो आप देखें, जब आप यूं जाते हैं आपका जो फोरआर्म का अंदर वाला हिस्सा है वो टारगेट होता है. जब आप रिवर्स करके जाते हैं फोरआर्म के बाहर वाला जो गुट के बाहर वाला हिस्सा है वो टारगेट होता है. इसके भी तीन सेट 25 रेपिटेशंस, वही 30 से 45 सेकंड की ब्रेक के साथ. ऑल टुगेदर यू नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 40 से 45 मिनट में वर्कआउट फिनिश कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू बी सोर, इट्स योर फर्स्ट कंप्लीट आर्म डे, इवन दो इट्स अ बेसिक वर्कआउट, लेकिन फिर भी आपको खलियां पड़ेंगी. उसके लिए हमारी खलियों वाली वीडियो मेक श्योर आप जरूर देखें. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डालते हैं कि व्हाई इज योर बॉडी सोर, यू विल गेट अ बेटर आइडिया. यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूले, माई बॉलीवुड बॉडी. फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. एंड चलो भाई कुछ कहना चाहेंगे, शेव शू करके आए बड़ी. मैं तो सारे किसी ने कद्दू बनाता यार, देखो मैं हेयर कट कराने गया, फुद्दू गोरे मेरा सारा खराब करता. देसियां को जाना चाहिए सच्ची, आपकी हिकी गई नहीं है.